हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। सो आप लोग मेरा होलिया देखकर समझ गए रहेंगे कि हम आए हैं कश्मीर। बोले रमज़ान आ रहा तो उसके पहले कहीं चले जाता है, क्योंकि शादी के बाद से काफ़ी टाइम हो गया, हम कहीं घूमने नहीं गए थे। तो बोले चलो कोई ना, आसपास के चले जाते हैं। तो हम कश्मीर आ गए और सीज़न भी है। तो आज हमारा फर्स्ट डे एंड इब्राहिम का रह गए, लिप्स जाएंगे। तो आज है हमारा फर्स्ट डे और हम आज जा रहे हैं पहलगाम, शायद सही बोल रही हूँ, पहलगाम। तो बहुत ज़्यादा ठंड है तो मुझे बात करने नहीं हो रहा है, मैं डायरेक्ट आपको आगे बताती हूँ। और स्टोरी भी है, वो भी सब आगे बताती हूँ आपको। हॉर्स पोनी राइड, पोनी राइड, पोनी राइड पहलगाम में। ओके, मेरे को लगे गुलमर्ग में। गुलमर्ग में पोनी राइड में। ये बोल रही थी कि ये शॉल का ऐसा हो गया कि मैंने क्या सोची थी कि सिर्फ ऐसे ही शॉल ले लूंगी, ऐसा भी पहनी हूँ तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ठंडी इतनी ज्यादा है कि मेरे को है ना इसके ऊपर वो जो कैप आती है ना ठंडी वाली, वो भी लेना है। तो अभी सर सुनने में आया है, सही बोल रहे थे, और गम्बूट्स भी लेना है। शीज जो मैंने शूज पहने हुए उसमें मेरी उंगलियां भी बहुत दुख रही है। तो अभी बोलेगा अभी भाड़े पे मिलता है, भाड़े पे मिला तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कान में भी ठंडी लग रही है। इवन मैं मोटी वाली जीन्स लेके आई हूँ उसमें भी मेरे को ठंडी लग रही है पैर में। यहाँ पे ड्राई फ्रूट केसर भाई बता रहे सब ओरिजिनल मिलता है, देखते अभी मम्मा ने बोली तो थी लेके आना आते वक्त। केसर की जो खेती होती है ना सर, पूरे इंडिया में खाली यहीं पे होता है, इसी एरिया में होता है, पांपोरा कहते हैं इसको। ये फेमस रहता है सैफ्रन के लिए, एंड इसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं, लीजिए थोड़ा सा। इसको क्या करना है, आगे वाले दांतों से इसको चबाना है, इसका जो टेस्ट रहता है ना हल्का सा कड़वा आना चाहिए, बिटर आना चाहिए, और जो निकलते हैं वो इसमें निकलते हैं। घर पे जाके बना सकते हैं, ये सर्दी खांसी जुकाम के लिए अच्छा रहता है। ये कस्तूरी केसर का देखना, और कौन सा है, केसर कस्तूरी ये कहवा का मसाला, और वो दे वो ओरिजिनल होगा, वो तो ओरिजिनल जल्दी नहीं मिलता। हाँ ऊपर पूरे ड्राई फ्रूट से ड्राई यहाँ पे आप किसी भी शॉप से ले लो फ्लोर मिलेगा। चार जैसे रहते हैं, क्योंकि मैं देखा है मेरे को समझ में नहीं आया। पहचान इसकी क्या रहती है, ये खाने में आपको जितना कड़वा लगेगा ना एशिया अगर खाएंगे उतना प्योर है। दूध में खाएंगे या पानी में खाएंगे, दूध में दूध का टेस्ट देना चाहिए, पानी में पानी का। लेकिन अगर एशिया खाएंगे ना, ये आपको खाने में जितना कड़वा लगेगा उतना प्योर है, ये इसकी पहचान रहती है। हेलो, देखो टोल कितने अच्छे हैं यहाँ पे, देखो वो यहाँ पे टोल वाले कितने अच्छे, मतलब घर से हमारे ऐसे घर होते हैं, टोल वाले घर है मतलब वो जो टोल ऑफिस है वो सब, वो टोल, अच्छा टोल ऑफिस है, ये तो टोल है, इधर पे जो साइड में है ना एडमिन ऑफिस,
मुझे एडमिन ऑफिस है, मैं बोल रहा हूँ वो हमारे इधर घर होते बड़े बड़े घर होते हमारे इधर के, जिसको लोग लैविश घर बोलते ना, लैविश घर, यहाँ पे ऑफिस। अरे हाँ, तुमने वो देखे क्या, रास्ते पे हम लोग ने ना एक लंबा सा बंगला जैसा देखे, भाई को पूछे तो भाई बोलते कि वो बैंक है। तो ये पैसे वाले लोग हैं वो, मतलब पैसा 40-50 हजार के सिर्फ कारपेट है, 40-50 हजार के कारपेट। मैं लेने जाऊंगी वो, मेरे को उल्टे पर रिटर्न लेके आएगी, 40-50 हजार का तो कारपेट लेगी। और है ना, कल हम लोग ने ना जैसे ड्रेस लिए ना, वो भाई बता रहे थे मैंने मेरी बहन को शादी में 2 लाख वाला कारपेट गिफ्ट किया। कारपेट नहीं, सॉरी, 4 लाख का शॉल गिफ्ट किया। क्या मतलब 4 लाख का, 4 लाख का शॉल करेंगे क्या उसका? अच्छा इधर तो काम आता है ना, अब मैं बोलना काम क्या आता है, वो तो रखा रहता है कपड़े में, वो हमारे इधर मुंबई में जहाँ पे तो काम ही काम रहेगा शॉल का। कब आएंगे इसमें एप्पल? नवंबर में, अप्रैल नवंबर, नवंबर में सूख जाते हैं सारे। नवंबर नवंबर घूमना है। धूप देखे बहुत अच्छा लगा है, धूप हमेशा धूप से बचते थे। मुंबई में बहुत ज्यादा धूप से बचता हूँ मैं कभी धूप पे नहीं जाता हूँ, मेरे को बहुत चुपती है धूप, धूप की है धूप, ये धूप की कीमत तुम क्या जानो मुंबई वालों, माशाल्लाह। सो गाइस, बहुत ज़्यादा ठंडी है, देखो ठंडी बर्दाश्त नहीं है, ना ही ज़्यादा धूप बर्दाश्त है, पर अब मेरे को धूप बहुत अच्छे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कश्मीर बहुत खूबसूरत है, इट्स हेवन। पहाड़ पे जाएंगे तो बर्फ ही बर्फ। इनको इतनी ठंडी लग रही है, हाँ सच में मेरे को बहुत ठंडी लग रही है धूप में, वो तो अभी ना धूप है, अभी ऊपर जाने के बाद देखता हूँ ना गमबूट सब ग्लव्स सब दिखेंगे तुम्हारे अंदर है क्या है? तो मैंने ना इनका जैकेट पहनी हूँ मेरे नाम का बीबीबी करके। मेरे को आप लोगों को एक बात बताओ क्या, मैं आप लोगों का ना चली तो होटल में जाके ना मेरा बैग दिखाऊंगी लगेज, उसमें ना सिर्फ इब्बू के कपड़े भरे हुए, इब्बू के जैकेट, ये ब्लैक जैकेट है, फिर मेरा एक बफर जैकेट है, पफर जैकेट है वो सिर्फ मेरा है, बाकी और जीन्स मतलब मेरा है, वो भी इन्होंने गिफ्ट किया। तो अरे भाई, और सारे कपड़े मैं इनके ही पहन रही हूं भाई, नहीं चाहिए भाई ये काम, क्यों बहुत ज्यादा क्वांटिटी है, तो इसमें निकाल के ले लेंगे ना थोड़ी सी दही, इधर आपको तो खाना है, दही का चाल है, कितने का दही? 50 रुपए का दही उतना दिया है तुमने, 50 रुपए की दही में हम लोग ना घर पे कोरमा बना लेते पूरा। हाँ, क्या बोले, कितना खूबसूरत है, तू तो बर्फ के बहुत नजदीक है, बहुत। अब मुझे हाथ लगा रहा है, मतलब पता नहीं मेरा क्या ही है, मेरे को असली बर्फ हाथ लगा रहा है, वो पानी में जमा हुआ जो अपन फ्रीजर में जमा करते और फिर वो नकली आर्टिफिशियल स्नो रहते मॉल वॉल में, स्नो वर्ल्ड में, आज मैं रियल बर्फ टच करूंगी, गला बना के so elegant, just looking like me. जले wow, यहाँ की सब चीज वाव है, अभी तक हम बर्फ पे गए नहीं है, माशाल्लाह हर चीज वाव लग रही है, बता वहा क्या होगा, ये देखो we are coming. So guys, इतनी खूबसूरत सी जगह है, और यहाँ पे हम लोग इब्राहिम की एक रील बनाने के लिए रुके थे क्योंकि इसका पानी इतना ठंडा, मेरे हाथ लाल हो गए कांप रहे लिटरली, और इब्राहिम ने मतलब एक वीडियो बनाया इसमें पानी में हटा देते, उनकी फजीती हो गई है, कांप रहे बेचारे। सो गाइज,
आप लोगों को पता है यहाँ पे कितना काटते हैं। वो बहुत जोर से वॉशरूम आया था, भाग के वॉशरूम गया। ये सब नहीं बताते है क्या बताते, कुछ नहीं मालूम। इतना ज्यादा हाथ ठंडा, इतना ज्यादा पानी, फ्रीजर से भी बड़ा पानी। गाइस आप लोगों को पता है नहीं, मेरे को पीने नहीं हो रहा था कुछ। सुन हो गई रहेगी तुम्हारी तो कुछ भी, कितना गंदा है ये सब कोई बात करता है। अरे वो छोड़ो गाइस, आप लोगों को पता है यहाँ पे है ना पोनी राइड है, मतलब यहाँ पे ना ऊपर कार्स नहीं जा सकती, सिर्फ घोड़े जा सकते हैं। तो यहाँ पे इतना ज्यादा प्राइस है, इतना ज्यादा प्राइस है। दो घोड़े का अगर सारे पॉइंट घूमना है तो 12,000-15,000। लाइक मैं बोली क्या, बोली इतना ज्यादा। फिर हमने बार्गेनिंग वार्गेनिंग की, हमारे जो भाई है ना जो हमें कार में सब जगह घुमा रहे बता रहे, उन्होंने हमारी हेल्प की थोड़ा बार्गेनिंग में, और हो गया। अब फाइनली मैं जाने वाली बर्फ के पास, अपने हाथों से बर्फ टच करूं। दोस्तों हे हाय, अल्लाह मेरे को वो वाइट वाला चाहिए, वाइट वाला चाहिए। सो गाइस हम लोग पहाड़ियों में है, क्या चाहिए बच्चे, सब चिल्ला रहे। मैं आई ना, तो आई ना अबे मेकअप तो अच्छा, महंगा मेकअप है वो, अच्छे वाले घोड़े नहीं है यार, अच्छे वाले घोड़े ही है यार। नहीं पीछे पलटो, देखो किधर है, जल्दी देखो। अच्छा ये घोड़ा है, अगर नहीं क्या होता है, व्हाइट कलर का नहीं है। चलो ठीक है जोड़ी है, तो उस पे वो पीछे वाले पे बैठो, पीछे वाला अच्छा है ज़्यादा। चलो बैठो बैठो बैठो, फेंक देगा मैं उठा मेरे हाइट थोड़ी बड़ी हूँ मैं, बोला बैठ ये ऐसा मैं बैठने नहीं आता मुझे। आप आ जाओ हम बिठाएंगे उस पे पैर रखना, बैठना अरे पकड़ 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 अरे पकड़ ना पकड़ पकड़ मैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरा फोन गिरा दिए बेशरम कहीं के, पूरा मेरा मैं रख देती हूँ भाई। क्या काय का स्ट्रगल भाई, उनका वो लगा दो ना वरना कहीं गिर ना जाए। ए हाय फुल बर्फ ही बर्फ, व्यू देखे माशाल्लाह भाई सादिका अच्छे से। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, इसको स्पेशली लेने आएंगे कोई नवाब है। ओह माय गॉश, बाप रे मेरी तो हालत हो गई है, पेट ही दुख लग गया। अल्लाह अल्लाह पता नहीं यार मेरा घोड़ा स्लिप हो जा रहा है, मेरा फोन गिर जा रहा है, और अभी नहीं सोने पे सुहागा मेरे घुटने पे लग गया दूसरे घोड़े का। वो अभी फोन में ग्रिप नहीं मिल रही थी व्लॉग शूट करने, तो मैंने ग्लव्स निकाल दी है चार्जिंग। गाइस ये है दूना वैली, और क्या बर्फ, कैसी है बर्फ छुई, अरे ये साफ कर दिया मैंने। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ओ शिट ये गंदगी आ गई। इतनी खूबसूरत जगह को देखने के लिए ये सब तो सहना पड़ेगा। वो आप लोग ने सुना तो हो गई, अक्सर कमल कीचड़ में उगता है, वही वैसा ही कुछ समझ लो। खूबसूरत चीज देखने के लिए थोड़ा थोड़ा क्या, पूरा रास्ते हम लोग कीचड़ का
खरीदते हुए आए, लेकिन वो तो घोड़ा था, अभी हम खुद चलते आ रहे हैं। यहाँ पे स्लीप हो रहा है। अच्छा हम लोगों को भाड़े पे गम्बूट्स मिल गए। ये है 0.5, 1x, 2x, and it's 3x, 3x, and this is ज़्यादा ज़ूम। वाव। लव यू बू। तो गाइस हम लोग ने ये गोट फोटो के लिए लिया है, लेकिन ये बच्चा सो गया ये सो गया इसके गोद में जाते ही, और बाकी ऐसा झगड़े कर रहा है। चलो ए मत सिंह मारेगा ना मेरे को। ए लो भाई आपको सेट। हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत जगह कश्मीर, अगर इस दुनिया में कहीं पे हेवन है तो वो है कश्मीर में। अभी भी बर्फ खाएगी खाई लिखा। सो गाइज हम आए थे आज पहलगाम में, और आपने जितना भी देखे ये पहलगाम का था, ठंडी बहुत है, नाक से हवा जा रही है, सब पैक है, नाक खुला है। तो इसी के साथ भी गर्म लग रहा है, स्लीव्स निकाला, अब ठंडी हवा छूटी है, निकाल दिए। ओप्स। व्लॉग हम यही एंड करते हैं और मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, एंड लव यू। और ऐसे बहुत सारा प्यार दिखाना अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे लिए दुआ करो कि हमारा रिलेशन, हमारी जो शादीशुदा जिंदगी है वो ऐसे ही हैप्पीली हैप्पीली जाए। एंड बस लव यू।